अतरोड से शाही बाग के रास्ते में ये जगह आती है। ये है वो मस्जिद जो पानी में बह गई थी पिछले साल, जो दोबारा तामीर की गई है। ये देख रहे हैं पानी का बहाव किससे, ये मस्जिद बह गई थी उसमें। ये पुल जिस पे ये बस जा रही है ये भी बह गया था पानी के बहाव में, दोबारा तामीर किया गया, बल्कि अभी हो ही रहा है। ये प्रेशर आ रहा था जहाँ से, ये अभी हम जा रहे हैं शाही बाग की तरफ। अतरोड से शाही बाग के रास्ते में ये जगह आती है, देखिए आप। ये है जी खूबसूरत जगह, ये शाही बाग जाते हुए रास्ते में आती है। और ये इस वक्त हम सवाद से आगे, अतरोड से आगे हम शाही बाग की तरफ जा रहे हैं। तो ये शाही बाग के रास्ते में ये जगह आती है, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पानी का फ्लो है जिस पर मैं बैठा हूँ। ये ब्रिज है पुराना, ये फ्लो देखें आप, ये रास्ते में आती है। अभी सड़क कच्ची है, पक्की नहीं है, लेकिन ये है कि जो यहाँ के मकामी ड्राइवर हैं वो ड्राइव अच्छी कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। लेकिन मौसम अच्छा है, खुशगवार है, सर्दी नहीं है, आप टी शर्ट में जीन्स में इजीली यहाँ पर फिर सकते हैं। मे भी रात को शाम को कुछ ठंड हो जाए, वेदर बदल जाए, लेकिन अभी खुशगवार है। इस वक्त मैं हूँ जी शाही बाग के इलाके में, जो कि अतरोड से 1.5 घंटे के फासले पे है, और अतरोड कलाम से तकरीबन अतरोड का फासला 1.5 से 2 घंटे का। और यहाँ पर खूबसूरत मौसम है इस वक्त, ठंड नहीं है, खुशगवार वेदर है, आप जीन्स टी शर्ट पहन के आ सकते हैं। और एक रिकमेंडेशन ये है कि अपनी गाड़ी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नॉट रिकमेंडेड फॉर यू कि आप अपनी गाड़ी यूज़ करें, क्योंकि सड़क बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बनी भी नहीं है, अंडर डेवलप है अभी, तो उसमें परेशानी हो सकती है। लोकल कन्वेंस यूज़ करें, जो कि कलाम से तकरीबन आपसे 4 से 6 हज़ार के दरमियान चार्ज करेगा। और फैमिलीज के लिए अगर कलाम में स्टे करें, और कलाम से सुबह 7-8 बजे निकलें, अतरोड से होते हुए आप शाही बाग पहुँचेंगे तकरीबन 2.5 से 3, 3.5 घंटे, और 4 से 6 हज़ार पर आपसे वो चार्ज करेंगे लोकल। और यहाँ पर आप आके लंच कर सकते हैं, यू कैन स्पेंड कपल ऑफ आवर्स द ब्यूटीफुल व्यू, द लेक है,
कुछ होटल्स हैं, खाना है, लंच है, डिनर है, अच्छी जगह है, आप इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा वक्त गुजरेगा आप। आइए और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारी आप देखेंगे कैंपिंग हुई भी शाही बाग में, कुछ प्राइवेट है, कुछ लोगों ने अपनी इंडिविजुअल सोलो कैंपिंग की हुई है। वो पुरसकून जगह है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारे हैं, सेफ है, ट्रांसपोर्ट यहाँ तक आ जाती है। ये देखें जी, यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हैं, चावल दाल चिकन रोटी ये अवेलेबल है, और सीटिंग भी बड़ी प्यारी की हुई है इन्होंने। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये झील सी बनी हुई है, बोटिंग भी है, ये पीछे मस्जिद, ये लोग जो हैं वो आउटिंग कर रहे हैं, फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं, ये बाइक पे आए हुए लोग, बाइक के शौकीन जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं बाइक पर। ओवरऑल इट्स गुड एटमॉस्फेयर। ये देखें एक बोट आ रही है, आपको दिखाते हैं, we'll be right back।